दिनेश जी। जी, अचल भाई के पास आता हूँ। अच्छा जी, बड़ौदा में एक अजीब सी प्रॉब्लम चल रही है, ये उन्हीं के साथ रिलेटेड है। मुख्यमंत्री कुछ योजना के अंतर्गत बड़े मकान दिए गए थे वहां पर। अब वहां पे दिक्कत ये हो गई, कुछ 400 से ज्यादा मकान थे, उसमें एक मुसलमान आवंटित कर दिया गया मुसलमान को, बाकी सारे हिंदुओं के। अब वहां पे सारा का सारा एक वो चल रहा है, एजिटेशन चल रहा है कि इसका आवंटन कैंसिल करो। हिंदुओं की कॉलोनी में जहां करीब 450 करीब घर है, उसमें एक मुसलमान कैसे रह सकता है? तो ये जो एक शब्द आता है जिसको मैं कहता हूँ एथनिक क्लींजिंग, ये पहले भी यूज था, मैं कोई इसका मतलब इन्वेंटर नहीं हूं उस शब्द का। एथनिक क्लींजिंग गुजरात उसमें पाइनियर है एथनिक क्लींजिंग में, और मुंबई के अंदर भी बहुत सारी बिल्डिंगें ऐसी हैं, एरिया ऐसे हैं जहां पे एथनिक क्लींजिंग होती है। आप किसी हिंदू मोहल्ले में मुसलमान को मकान दुकान किराए पे कुछ नहीं देते हो, तो आपने एक क्या कहते हैं खाई खड़ी कर ली है दो कम्युनिटीज के बीच में। तो फिर ऐसे में तो आप देखा जाए तो घृणा की दीवारें खड़ी कर रहे हैं। तो आप भले ही क्या कहते हैं ज्योग्राफिकली आप बटे हुए दिखाई ना दे, लेकिन सामाजिक रूप से तो आप बटे हुए दिखाई दे ही रहे हैं ना। दुनिया को पता है कि आपका बंटवारा इतना गहन हो चुका है, और आज नहीं तो कभी फिर भविष्य में जाके, आज नहीं तो दो पता नहीं कितने दशकों के बाद में, क्या पता ये सामाजिक विभाजन किसी और विभाजन में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि जितने भी विभाजन होते हैं वो सामाजिक विभाजन ही होते हैं जो बाद में भौगोलिक विभाजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और गुजरात ने उसको पाइनियर किया है। हालांकि मैं गिरीश भाई से भी सवाल कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपसे करूं, कि वो हमारे विवेक भाई एक बात कहते हैं कि गुजरात में वो हेट भी करते हैं हिट भी करते हैं, मध्य प्रदेश वो हेट तो करते हैं लेकिन मुसलमानों को हिट नहीं करते, ये फर्क है दोनों में, इसलिए साथ काम चल जाता है वहां पर। राकेश भाई दिनेश जी, देखिए अभी आपने पहले चक्र में एक बात कही थी कि आपने संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ऐसा खुला द्वंद्व कभी देखा नहीं, पिछले आप 60 साल की स्मृति की बात कर रहे थे, लेकिन आप कहीं भूल गए। तो आपने 2002 का गुजरात का दंगा देखा था, और उस दंगे के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्म न निभाने की और निभाने की शिकायत की थी। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी संघ के प्रतिनिधि की हैसियत से भी बोल रहे थे और प्रधानमंत्री की हैसियत से भी बोल रहे थे। तो ये तकरार तो बड़ी पुरानी है। और रही सवाल दीवार की, कि ये जो एथनिक लिंचिंग हो रही है, ये लिंचिंग हो रही है तो हो रही है, और ये केवल बड़ौदा में नहीं हो रही है, ये दिल्ली में जो हमारी नई सरकार बनी है, इस नई सरकार को अगर आप एक अपना जो होता ना वो कौन सा ग्लास जिससे छोटे अक्षर बड़े करके देखते हैं वो लगा के देखें, तो 71 सदस्यों की इस सरकार में एक मुसलमान नहीं है। हिंदू राष्ट्र नहीं बना लेकिन हिंदू मंत्रिमंडल बन गया इस देश में। तो ये खाइयां तो चौड़ी आने वाले दिनों में होनी है। और बात जहां तक संघ और मोदी के रिश्तों की है, तो सीधी सी बात है, अभी जैसा देसाई जी कह रहे थे कि इनके आदर्श तो हिटलर और मुसोलिनी रहे हैं, तो ये हिटलर की तरह बहुत सारा पावर अपनी मुट्ठी में कर चुके हैं। अब इनकी अंतिम इच्छा, अंतिम तो नहीं कहूंगा, अभी ने तो 200 2047 तक रहना है, इनकी प्रबल इच्छा ये है कि ये संघ का जो सरसंघ चालक होता है ये भी उनकी मुट्ठी में आ जाए, संघ भी उनकी मुट्ठी में आ जाए और उनके निर्देशों पर चले। लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अति है, और इस अति की वजह से ही ये लोगों ने अब बोलना शुरू किया है अहंकार अहंकार अहंकार, ऐसा करके धीरे से 75 साल की उम्र के बाद तो उन्हें खिसकाना ही है, चाहे संघ खिसका है चाहे बीजेपी खिसका है, लेकिन वो आसान तरीका बन जाए, रास्ता पहले से बन जाए कि भाई बहुत अहंकारी आदमी है, अब हम दूसरे को लाएंगे। लेकिन आप लिख के कहीं रख लीजिए कि मोदी का जो भी उत्तराधिकारी आएगा वो अटल बिहारी वाजपेयी की तरह मुखौटा लगा के नहीं आएगा, वो इनसे ज्यादा अहंकारी आएगा। और खोज भी इसी की चल रही है कि मोदी से ज्यादा अहंकारी कौन हो सकता है। शिवराज सिंह चौहान नहीं हो सकते हैं, योगी आदित्यनाथ शायद हो सकते हो, राजनाथ के चेहरे पे भी अगर वो मुखौटा लगा दिया जाए तो वो उनसे बड़े अहंकारी साबित हो सकते हैं। अभी तो बेचारे गाय बने बैठे हुए हैं, उनके मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं। तो ये अब लड़ाई जो है वो हिटलर के रास्ते पे ही आगे बढ़ेगी, क्योंकि सरकार तो इनके हाथ में है, और विपक्ष के लिए बहुत आसान नहीं है कि वो इन्हें सत्ताच्युत कर दे, इनकी सरकार गिरा दे। बाकी तो ये मैंने हर बार कहता हूँ कि ये सांप सीढ़ी का खेल है, चलेगा पूरे 5 साल चलेगा, कभी हो सकता है साल भर में समाप्त हो जाए, कभी हो सकता है कि अंतिम 5 साल तक चले। तो तेल देखिए, तेल की धार देखिए, और ये याद रखिए कि कबहू न काजी सीकरण सीकरण
क्षीर सिंधु विंसाय, पानी की एक बूंद लोकतंत्र के समुद्र को फाड़ नहीं सकती है, भले ही और दो चार छह संघ पैदा हो जाए, नए नए मुखौटे लगा के मुस्लिम प्रेमी हो गए, जैसे इंद्रेश कुमार है मुस्लिम मंच चलाते हैं, तो आप देखेंगे कि होना कुछ नहीं है। ये जनता भ्रमित होगी, जनता के मुद्दे और पीछे चले जाएंगे और ये सत्ता पर नियंत्रण की जो कोशिशें हैं ये और ज्यादा तेज हो जाएगी। जी। एक